कौन लोग हैं जिन्होंने रिबॉलिंग आती है, जिनको हाथ उठाइए जिनको रिबॉलिंग आती है, सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर। चलिए ठीक है, हाथ नीचे करिए। किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया है, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सबने चालू किया है। यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की, 5 दिन में। अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो हाथ। 30 दिन की क्लास है और आपने सिर्फ 5 दिन में बता रहे कि आपने किया। किसने एक से ज्यादा बार किया, आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए। 5 बार, 5 बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया। मैंने 6 बार, 6 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार, सर 5 बार, 7 बार, बोलते जाओ, नंबर बोलते जाओ, 5 बार, 4 बार, 2 बार, 6 बार, 5 बार, 5 बार, 5 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार। तो यहाँ पर आप लोग ने 2 बार, तो 4 बार। यहाँ पर ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। सो आपको क्या लगा यहाँ पर आके, क्या सीखने को मिला आपको, बताइए थोड़ा। यहाँ पर तो सीखने के लिए बहुत ट्रेसिंग, एक से बढ़कर ट्रेसिंग सीखने के लिए मिला, और कंपोनेंट्स की जानकारी, मतलब एक्चुअली में क्या होता है, वो सभी मिला। वो मिला। ये पीछे आपके जो पीले कलर के दिख रहे हैं आपको, ये क्या है ये, मतलब थोड़ा मुझे एक्सप्लेन। स्टूडेंट अपने मन से फेसिंग उसको बना के डाल। आज आपने इसमें क्या लगाया मुझे आज बताओ। हम लोग 9 पिन और 16 पिन का आईसी का सप्लाई। कौन से आईसी का? रेडियो आईसी का। रिंगर, रिंगर आईसी। कौन सी आईसी का? रिंगर आईसी का। आप सबने बनाया कि नहीं बनाया? हाथ उठा दो, किस किस ने बनाया? आप सबने बनाया कि 16 पिन और 9 पिन, एक एक पिन को आपने समझा रिंगर आईसी का। सो वेरी गुड। यहाँ पर आप मुझे फिर से बताओ, अगर मेरे स्पीकर के टिप्स में शॉर्टिंग आ गई तो क्या ढूंढेंगे? उस ट्रैक से जुड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड और पानी पिलाने, पानी वानी पिलाने वाले। अगर उस टिप्स में मुझे ओपन आया तो क्या ढूंढेंगे सर? अपने चप्पल ढूंढेंगे, चप्पल ढूंढेंगे। शॉर्ट आया तो क्या बताया था आपने? पानी पिलाने वाले और सिक्योरिटी गार्ड को। पानी पिलाने वाले, सिक्योरिटी गार्ड, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर कुछ ना कुछ नया मिलना चाहिए। और जो चीज तो वेरी गुड। आपका नाम क्या है? इस्तेफार अहमद। कैसा लगा आपको और क्यों आपने इसे लोगों को चुना? बहुत अच्छा लगा सर, मैं कंप्यूटर्स की जानकारी के लिए स्पेशल यहाँ पे आया। अच्छा, तो अभी आपको यहाँ पर जो फिरोज सर की पढ़ाया, जो आईसी पे आपने यहाँ पे आईसी का काम किया आपने, अगर मैं आपसे बोलता कोई भी स्पीकर की मैं ट्रेसिंग करने दे दूँ तो कर लोगे? बिना सर्किट डायग्राम के कर सकते हो? रिसीवर या रिंगर, अगर मैं आपको बोलूँ 9 बोल या 12 बोल का, 9 बोल या 16 बोल की आईसी है तो उसका लेआउट बना लोगे? चलिए, तो सारे कॉम्पोनेंट चेक कर सकते हो? सारे। मतलब आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप सब लोग से, क्या सारे कॉम्पोनेंट चेक करना बताया था कि नहीं बताया था? प्रैक्टिकली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कितने बजे तक आ रहे हो? कितने बजे तक आ रहे हो? 8 बजे से 8 बजे तक आ रहे हो? रात में फिर अलग पढ़ते हो यहाँ पर? और यहाँ पर आपको अगर मैं 8 बजे से 8 बजे तक बात करें, आपको SMD हाथ में दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? पूरी नहीं तो आईसी कैसे लगाओगे? फू मार के तो लगाओगे नहीं ना। चलिए ठीक है, मुझे बताओ कि कोड रजिस्टर लगे कहाँ होंगे? कैसा लगा आपको यहाँ पे आके और क्या रहा 5 दिन का आउटपुट, बताइए तो। ये बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ बहुत दिन से आना चाहता था, मैं पहली बार आ चुका हूँ, बीमार हो गया था, चला गया यहाँ से, तो मैं दुकान बंद करके फिर दोबारा आया। सो अभी आपको, मतलब आपने 2 बार आया है, मतलब आपको पता था कि पहली बार आपको सही मिला है तभी आप दूसरी बार आए? बहुत कोशिश की तब एडमिशन मिला। मतलब वो लोग जिनको नॉलेज है, देखो मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल लाइव चल रहे हैं, अगर जिनको नहीं है तो मत उठाइएगा, वो लोग आज उठाओ जिनको पूरे मोबाइल में खोल कर वो CPU, सुन लेना पूरी बात, CPU, पावर IC, वाईफाई IC, RF IC, पावर सेकेंडरी IC हो या प्राइमरी IC हो या आपकी ब्लूटूथ IC हो, सारी IC आप डिटेक्ट कर सकते हैं। हाथ उठा के बताओ कौन कौन लोग डिटेक्ट कर सकता है यहाँ पर? हाथ उठा लो कंप्लीट, अगर जिसे उसको पता है तो। यहाँ पर मतलब आप लोग पूरा ICU का सेक्शन मिला कि नहीं मिला सब लोगों को? सो मोहम्मद आपने क्या बोलना चाहते हो फिरोज सर, दुर्गेश सर, मेरे लिए बताइए? सर आपके लिए तो बातें नहीं, आपका तो बातें नहीं है, आपके बारे में बोलना मतलब ठीक है, आप तो इतना बेस्ट हैं, ये भी सर बेस्ट है, ये भी सर बेस्ट है, पढ़ाने में तो आप एक्टिंग क्या बोलते हैं उसको, ट्रिक ऐसा था, ट्रिक बताता है कि कोई भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है चुटकी में सॉल्व हो जाता है सर। तो मतलब अब हमको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आपके दोस्त जो यहाँ पे बने होंगे वो भी सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल सीख रहे हैं। कि एज अ फ्रेशर आपने यहाँ से क्या चीज गेन की 5 दिनों में, क्या लगा आपको कि क्या करनी थी और क्या मिल गई, ये बताइए। सर मुझे लग रहा था कि बस मुझे बस मोबाइल को इसमें यहाँ पे ये कंपोनेंट है वहाँ पे ये, वो सब इंस्टीट्यूट में जैसे सिखाते हैं उस तरह सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे आके मुझे बहुत ही डीप नॉलेज मिला है जो कंपोनेंट्स के बारे में, एड्रेसिंग के बारे में और सारे ICU के बारे में, और बहुत कुछ प्रैक्टिकल भी किया, तो बहुत कुछ नॉलेज आया, वैसे लगता है कि 1 महीने में मैं सारे काम कर सकता हूं। जब मैं, ये बहुत अच्छा सवाल है, जब आप पहली बार आए होगे तो आपको लगा होगा 30 दिन में क्या सिखा देंगे? हाँ, नहीं आया होगा। सही है,
अभी आपको क्या लगता है? लेकिन मैं अभी पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि एक महीने बाद में एक एक्सपर्ट, मतलब कुछ भी काम हो मोबाइल का मैं ठीक कर सकता हूँ उसमें। और वेरी गुड, ये उसको स्विचिंग बोलते हैं। अच्छा मैं आपसे बोलता हूँ, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर बनाओ आप जरा बोर्ड में, और आप मुझे सिंबल के थ्रू में बता दो कि वो कौन सा ट्रांजिस्टर है। कौन सा ट्रांजिस्टर बना दिया इन्होंने? PNP। क्या आप सब बताओ क्या PNP है? क्या PNP है? वेरी गुड, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? और नंबर वन बनने वाले स्टूडेंट कौन है? थैंक यू वेरी मच। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल और मेरे साथ में है फिरोज सर, और हमारे साथ में है दुर्गेश कुमार सर हमारे। और यहाँ पे हमारे 28 अक्टूबर का बैच ही है ना ये सारे। तो सर सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने रिबॉलिंग आती है, जिनको हाथ उठाइए, जिनको रिबॉलिंग आती है। सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर। चलिए ठीक है, हाथ नीचे के लिए। किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में CPU निकाल के उसको फिर से चालू किया, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सबने चालू किया है। यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की, 5 दिन में। अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो आप, 30 दिन की क्लास है और आपने सिर्फ 5 दिन में बता रहे कि आपने किया। किसने एक से ज्यादा बार किया? आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए। 5 बार आपने CPU निकाल के लगा के चालू किया? मैंने 6 बार। 6 बार? 5 बार। 6 बार? 6 बार सर। 5 बार? 7 बार? 2 बार? बोलते जाओ, नंबर बोलते जाओ। 3 बार? 5 बार? 4 बार? 2 बार? 6 बार? 5 बार? 5 बार? 3 बार? 2 बार? 2 बार। तो यहाँ पर आप लोग ने 2 बार, तो 4 बार। यहाँ पर ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। अभी मैं नाम पूछने जाऊंगा तो आधा घंटा उसी में लग जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम डायरेक्ट पूछते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्टूडेंट को बिठाते उठाते हैं। आपका नाम क्या है? इस्तेखान अहमद। कहाँ से हो? मैं अहमदाबाद गुजरात। तो हम आपसे कॉम्पोनेंट पूछेंगे, 3 कॉम्पोनेंट रजिस्टर बता दो। कितने प्रकार के रजिस्टर? 6 प्रकार के बता दो, 3 बता दो तुम बस। नॉर्मल रजिस्टर, ड्यूल एंड पैकेज रजिस्टर और कोड रजिस्टर। अच्छा ये बता दो कि नॉर्मल रजिस्टर अगर सीरीज में हो या पैरेलल में हो, दोनों चेक करना बन जाएगा? जी बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि रजिस्टर में 3 क्या फॉल्ट आ सकते हैं? एक तो ओपन होएगा या फिर लीकेज होएगा, शॉर्ट कभी नहीं होगा। शॉर्ट कभी नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो दूसरा रजिस्टर आपने बताया कौन सा, नॉर्मल के बाद ड्यूअल रजिस्टर, ड्यूअल रजिस्टर में आपसे पूछा कि ड्यूअल रजिस्टर की खासियत क्या है? खासियत ये कि अगर ये 10 ओम्स का है तो दूसरा भी 10 ओम्स का होगा। अगर ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो फ्यूज रजिस्टर है वो कितने ओम्स का होता है? फ्यूज रजिस्टर 0 ओम्स का। उसका काम क्या होता है? वो खाली वोल्टेज को बैलेंस करता है। वोल्टेज को बैलेंस करता है, मतलब ज्यादा वोल्टेज आने पर वो क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। कहां लगा मिलेगा ये? ज्यादातर स्पीकर सेक्शन में लगा होगा। स्पीकर सेक्शन में? सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में लगा। सीरीज में? आप सबको सीरीज में रजिस्टर चेक करने आते ही कि नहीं आते? हाथ खड़े करके बताइएगा हमेशा जब भी मैं पूछूं तो। ठीक है, वेरी गुड। आप मुझे बताओ कि रजिस्टर में जो आपने बताया कि सर सीरीज में, सर वो लीकेज भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है, तो लीकेज आपको बन जाएगा चेक करते हुए? क्योंकि रजिस्टर लीकेज जो होता है वो हमको बहुत दिक्कत होती है कि वो चेक नहीं हो पाते। तो वेरी गुड, आपका नाम क्या है? इस्तेखान अहमद। कैसा लगा आपको और क्यों आपने इसे टेलीकॉम को चुना? बहुत अच्छा लगा सर, मैं कंप्यूटर्स की जानकारी के लिए स्पेशल यहाँ पे आया। अच्छा, तो अभी आपको यहाँ पर जो फिरोज सर की पढ़ाया, जो IC पे आपने, यहाँ पे IC का काम किया आपने, अगर मैं आपसे बोलता कोई भी स्पीकर की मैं ट्रेसिंग करने दे दूं तो कर लोगे? बिना सर्किट डायग्राम के कर सकते हो? रिसीवर या रिंगर, अगर मैं आपको बोलूं 9 बॉल या 12 बॉल का, 9 बॉल या 16 बॉल की AC है तो उसका लेआउट बना लोगे? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। तो अजय खड़ी हो जाइए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद, आप मुझे बताओ कि बाकी के 3 रजिस्टर कौन से रजिस्टर हैं? कोड रजिस्टर, VDR और थर्मिस्टर। अब कोड रजिस्टर में क्या होता है, कौन से दो तरह के वैल्यू क्या आते हैं? एक 2K2 और 2R2। 2K2 और एक कौन सा? 2R2। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये दोनों जो रजिस्टर होते हैं क्या दोनों पैरेलल में होते हैं या दोनों सीरीज में होते हैं? वेरी गुड, ये दोनों चेक करने आते हैं। कोई सा भी कंपोनेंट दे दूं PCB में, कोई सा भी, या फिर पूरी PCB दे दूं तो सारे कंपोनेंट चेक कर सकते हो? सारे? मतलब आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप सब लोग से, क्या सारे कंपोनेंट चेक करना बताया था कि नहीं बताया था? प्रैक्टिकली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कितने बजे तक आ रहे हो? क्या जी? कितने बजे से तक आ रहे हो? 8 बजे से 8 बजे तक आ रहे हो? नाइट में वहाँ पर रात में फिर अलग पड़ते हो यहाँ पर। और यहाँ पर आपको अगर मैं 8 बजे से 8 बजे तक बात करें, आपको SMD हाथ में दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? नहीं तो IC कैसे लगाओगे? फू मार के तो लगाओगे नहीं ना।
चलिए ठीक है, मुझे बताओ कि कोड रजिस्टर लगे कहाँ होते हैं? जी चार्जिंग सेक्शन में लगे, चार्जिंग में लगे होते हैं। वेरी गुड। और इनसे क्या फॉल्ट आ सकता है? फेक चार्जिंग का फॉल्ट आता है। तो पूरा कोड रजिस्टर को कैसे चेक करते हैं? मल्टीमीटर में कितने ओम्स में रखे चेक करते हैं? दो सौ ओम्स। तो 200 ओम्स ने पूरा टेक्निक जो मैंने बताई थी कोड रजिस्टर को चेक करने की, अगर वो लीकेज होगा तो भी पता चल जाएगा। ठीक है, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके और क्या रहा 5 दिन का आउटपुट बताइए? बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ बहुत दिन से आना चाहता था, मैं पहली बार आ चुका हूँ, बीमार हो गया था, चला गया यहाँ से, तो मैंने दुकान बंद करके फिर दोबारा आए। सो अभी आपको मतलब आपने दो बार आए, मतलब आपको पता था कि पहली बार आपको सही मिला है तभी आप दूसरी बार आए? बहुत कोशिश की तब एडमिशन मिला। तो अभी आपको क्या लगता है कि यहाँ एसी दिल्ली को मैं आपने एडमिशन लेके आप सेटिस्फाई है कि नहीं 5 दिन के अंदर? बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पर बहुत दिन से आने चाहता था, यहाँ बहुत खुश। चलिए इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आपका नाम क्या है? जगदीश प्रसाद। जगदीश आप कहाँ से हो? लखनऊ से। लखनऊ से? या लखनऊ से जबलपुर क्यों? सबसे पहला सवाल ये सर कि यूट्यूब पे मैं बहुत देखा, लेकिन आप एशिया टेलीकॉम के जैसा कोई भी सिखाने वाला आज तक दिखा नहीं। जाओ यहाँ तकनीकी जो था, जो भी फॉल्ट होता है सबसे पहले क्या है कि उसको एक एक चीज कंपोनेंट को बताया जाता है, उसको ट्रेसिंग करके उसको फिर पढ़ाने के बाद उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिकल होता है सर। तो आपने यहाँ पे सारी चीज की है 5 दिन में, आपने आईसीआर निकाल के लगाई है इसमें, रिबोलिंग की आपने, तो अभी आपको कॉन्फिडेंस लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, थोड़ा फिरोज सर के बारे में बताइए और दुर्गेश सर के बारे में बताइए यहाँ पर। फिरोज सर तो बहुत अच्छे हैं, दुर्गेश सर भी बहुत अच्छे हैं सर। कभी कभी दुर्गेश सर को मैं देखता हूँ, हमारे एक मित्र है, वो लाला जी है, वो भी मेरे मित्र है, वो आईटीआई में पढ़ाते हैं, उनके साथ मैं देखता हूँ सर, ऐसा कम्युनिकेट लगता है कि वो स्वयं मेरे सामने आके खड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब बिल्कुल जैसे देखते हैं, एकदम वैसे सर, एक सकल के। अच्छा दुर्गेश सर, मैं आपसे इनसे पूछना चाहता हूँ, आपका इनके प्रति क्या रिव्यू है? फिरोज सर आपसे भी, क्योंकि दुर्गेश सर आपसे मैं इसलिए क्योंकि आपने ट्रेसिंग का यहाँ पे क्लास दिया हो, इनको कॉम्पिटेंट का दिया है, फिरोज सर आपने आईसी का क्लास दिया है, आप पहले बता दो इनका क्या रिव्यू है? सर ये स्टूडेंट बहुत अच्छा काम करते हैं और ये जब तक नहीं छोड़ते जब तक सेट ऑन नहीं हो जाता है, तो 4-5 बार इन्होंने सीपीयू निकाला है, रिवॉल्व करके सेट को ऑन किया है। वैसे सारे स्टूडेंट ने एक से कई मरतबा सीपीयू निकाल के ऑन सेट में रिवॉल्व करके लगा के ऑन किए हैं। देखिए सर आपका क्या रिव्यू है? अभी तो हम इसे ट्रेसिंग करा रहे हैं, ट्रेसिंग जैसे अगर टिप्स भी नहीं रहता है तो भी हम वो टिप्स को विदाउट टिप्स भी आपको बताया ना, विदाउट टिप्स, अगर टिप्स नहीं है तो भी आप उस सेक्शन को ऑन कर सकते हैं। तो यही चीज आज हमने जो बताया सेक्शन, आज क्या बताया, आज के दिन की अगर बात करें तो स्पीकर का और उसके बाद रिंगर का और माइक के दोनों टिप्स उखड़ भी गए, तो हम किसी भी फोन में हम वीडीडी की लाइन ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर एमडीके का सेट है, कोई सा भी एमडीके का या ओप्पो वीवो है, कोई सा भी पुराना नया नया, अगर उसमें ऑडियो इसी की लगी है तो वो किस नंबर की लगी होगी? वेरी गुड। सिस्त्री इन्होंने सही बोली कि नहीं बोली? सही बोली। अगर मैं इनसे पूछता हूँ कि स्प्रेक्टम का फोन है और अगर अलग से ऑडियो आईसी लगी है, पूरी ऑडियो, रिंगर नहीं, मैं रिंगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑडियो की जिसमें माइक रिंगर सब होता है, तो उसका नंबर क्या होगा? SC27। तो इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आप में से वो लोग हाथ उठाओ, केवल वो लोग जिनको नॉलेज है, देखो मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल लाइव चल रहे हैं, अगर जिनको नहीं है तो मत उठाइएगा, वो लोग हाथ उठाओ जिनको पूरे मोबाइल में खोलकर वो सीपीयू, सुन लेना पूरी बात, सीपीयू, पावर आईसी, वाईफाई आईसी, आरएफ आईसी, पावर सेकेंडरी आईसी हो या प्राइमरी आईसी हो या आपकी ब्लूटूथ आईसी हो, सारी आईसी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। हाथ उठा के बताओ कौन कौन लोग डिटेक्ट कर सकता है यहाँ पर, हाथ उठा लो कंप्लीट, अगर जिस उसको बताया तो यहाँ पर, मतलब आप लोग पूरा आईसीयू का सेक्शन मिला कि नहीं मिला सब लोगों को? ठीक है, जिसमें आप कोई सी भी आईसी को नंबर के साथ में क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद बरकत अली। मोहम्मद आप कहाँ से आए? कोलकाता से। इतनी दूर क्यों जहन किया यहाँ आने का, क्यों परेशानी उठाई है बताओ? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का आउटपुट देख के, वीडियो देख के, आपका यूट्यूब देख के। यूट्यूब में तो यार मोहम्मद इतने सारे थे, फिर हमको क्यों चुना तुमने? देवेंद्र अग्रवाल को क्यों, एशिया टेलीकॉम के क्यों? तब पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा ना सर, फिरोज सर है, क्या बोले ये दुर्गेश सर ये भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। आपका आउटपुट देखा 3 महीने पहले मैंने सीट बुक किया, तब जाके कंफर्म हुआ 28 तारीख को। तो अभी आपने इतना, आपको इतना इंटरेस्ट था आने का, इतना जुनून था, अब आपने जुनून वो आने के बाद खो तो नहीं दिया कहीं? नहीं, बढ़ गया। और जी सर, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जो 14वें 15वें दिन क्या मिला आपको, सीखने मिला कि नहीं मिला? सर पहले दिन तो आप पढ़ाए तो मेरे कॉन्फिडेंस और बढ़ गया मेरा, बढ़ गया कि तब आपकी कि यहाँ पे पैसे दे कि ना दे, यहाँ पे तभी बढ़ा ना कि आपसे किसी से भी क्या पूरी फीस पहले दूसरे दिन ले ली गई क्या? नहीं ली गई। कब ली गई? जब आपको खुद लगा कि मैं दू की, मैं आपको 2 दिन के बहुत बड़े बड़े मौके दिए जिसमें हमने आपको रिबोलिंग भी सिखाई, हमने आपको ट्रेसिंग भी सिखाई,
तब आपको मौका दिया कि हमें जानने का कि हम आपसे आप हमें फीस दें कि ना दें। सो मोहम्मद आपने क्या बोलना चाहते हो फिरोज सर दुर्गेश सर मेरे लिए बताइए। सर आपके लिए तो बातें नहीं, आपका तो बातें नहीं, आपके बारे में बोलना मतलब ठीक है, आप तो इतना बेस्ट हैं, ये भी सर बेस्ट है, ये भी सर बेस्ट है, पढ़ाने में तो आप क्या बोलते हो इसको ट्रिक ऐसा था ट्रिक बताता है कि कोई भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है चुटकी में सॉल्व हो जाता है सर। तो मतलब अब हमको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आपके दोस्त जो यहाँ पे बने होंगे वो भी सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल सीख रहे हैं। चलिए ठीक है, एक बार मोहम्मद के लिए जोड़ डाल ली क्योंकि एक बार मैं इनको उठाना चाहूंगा। इनके साथ में बड़ा सीन हुआ था, पहले दिन ही इनको क्लास से बाहर निकाल दिया गया था और रीजन कुछ नहीं था, बस रीजन कुछ नहीं था। ये बताओ कि अब आप अपने भाई भाई पूछता है आपसे भाई पूछ नहीं भाई पूछता है कि क्या सीखा क्या नहीं सीखा, तो क्या बोलते हैं आप उसको? सर मैंने कॉमर्स के बारे में हर कुछ बोलता हूँ, मैं जो सीखा हूँ मैं यहाँ पर, और जो बिल्कुल नहीं जानता था, और रिबॉइंग जो पहली बार मैंने किया वो सब बोलता। कितने साल के हो आप? मैं 19 साल का। 19 और कम एक उम्र का हमारे साथ में स्टूडेंट है, थोड़ा इस साइड आ जाओ। तुम हाँ, ये हमारे साथ में एक स्टूडेंट है दोस्तों, कितने साल के हो तुम? अठारह साल का हो और तुम 19 साल के हो, तो आपने क्यों मोबाइल रिपेयरिंग का फील्ड चुना और इतनी दूर कहाँ से आए हो आप? त्रिपुरा से। इतनी दूर कैसे, मतलब एशिया टेलीकॉम को कैसे चुना? यूट्यूब देख सर, बहुत देखा, दिल्ली में देखा सर, आईटेक देखा सर, कोलकाता में एक बार गया था बैरकपुर में, हाँ उसका नाम था सर, नहीं नहीं ठीक है, हाँ उसमें उसमें किया था सर, उसका जो पढ़ाने का जो टेक्निक है सर वो अच्छा नहीं लगा, हाँ उसमें ज्वाइन नहीं किया, तो सब जब वीडियो देखते देखते सब जब आउटपुट देखा सर उसमें अच्छा लगा। और सर आपने कभी भी मल्टीमीटर इशू हुआ इससे पहले? डिस्प्ले भी नहीं खुला, तो सर यहाँ पर जब आया दो दिन का जो क्लास हुआ सर वही अच्छा लगा, उसमें इंटरेस्ट। तो अभी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा लग रहा है, टेक्नीशियन अभी बहुत कुछ सीख पाया, सीख पाया हूँ यहाँ पर। आपको बताओ आपने जितना संघर्ष किया यहाँ आने के लिए और जितना फिर आपने रुके कि चलो मैंने अपने आपको इतना संघर्ष किया कि मैं यहाँ पे बैठ सकूँ, तो वो आपका निकला कि निकला, मतलब उसका आज लगता है कि बहुत ठंडक होती है कि मैं यहाँ मिल गया मुझे सीट, तो इसकी खासियत, थैंक यू वेरी मच, इसकी खासियत हमें तब पता चलती है कि जब हमको वो एक्चुअली में चीजें मिल जाती है। तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो फ्रेशर है, बिल्कुल हाथ उठा दो, जो पहले बिल्कुल काम नहीं करते थे, मैं सिर्फ उनके बात कर रहा हूँ, फ्रेशर बहुत सारे लोग हैं, आप बताइए। सो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि एज अ फ्रेशर आपने यहाँ से क्या चीज गेन की पांच दिनों में, क्या लगा आपको कि क्या करनी थी और क्या मिल गई, ये बताइए। सर मुझे लग रहा था कि बस मुझे बस मोबाइल को इसमें यहाँ पे ये कंपोनेंट है वहाँ पे ये वो सब इंस्टीट्यूट में जैसे सिखाते हैं उस तरह सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे आके मुझे बहुत ही डीप नॉलेज मिला है जो कंपोनेंट्स के बारे में, एड्रेसिंग के बारे में और सारे आईसीयू के बारे में, और बहुत कुछ प्रैक्टिकल भी किया, तो बहुत कुछ नॉलेज आया, वैसे लगता है कि एक महीने में मैं सारे काम कर सकता हूँ। जब मैं ये बहुत अच्छा सवाल है, जब आप पहली बार आए होगे तो आपको लगा होगा 30 दिन में क्या सिखा देंगे, नहीं आया होगा? सही है, अभी आपको क्या लगता है? लेकिन मैं अभी पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि एक महीने बाद में एक एक्सपर्ट, मतलब कुछ भी काम हो मोबाइल का मैं ठीक कर सकता हूँ, उसमें और एक्सपर्ट तब हम कब बनेंगे, जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, पर प्रैक्टिस करने के लिए नॉलेज की जरूरत है और वही चीज गेन कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं स्पीकर की टिप्स दे दूँ आपको निकाल के उखाड़ के, तो भी बना सकते हैं उसको? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इनके जोरदार ताली बजा दीजिए। यहाँ पे हमारे साथ एक स्टूडेंट है, तो यहाँ पे मेरे साथ एक स्टूडेंट है, आप उठिए जरा, आपका नाम क्या बताइए? उत्तम प्रामाणिक फ्रॉम कोलकाता। इतनी दूर जबलपुर क्यों? सर मैंने तो पहले एक इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखे थे, लेकिन सीखने के बाद 6 महीने दुकान हुआ है, दुकान के बाद जब मैंने फील्ड में उतरा तो मुझे लगा कि मुझे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है काम करते करते टाइम के साथ, तो उसी टाइम क्या हुआ तो आपका रिव्यू देखा ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन यूट्यूब वीडियो देखा, तो उसी से हमको इंस्पिरेशन मिला जे वहाँ पे जाके और अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेंड्स लोग पहले कर चुके हैं वहाँ से भी मैंने फोन पे बात किया है, वो सब लोग अच्छा रिव्यू मिला दे रहा है मुझे है, तो इसी के इसमें सिलसिले में हमने अच्छा नॉलेज लेने के लिए। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपने क्या सीखा है, पर एक बार बताओ ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा बताओ, थोड़ी जानकारी दो ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर तो दो डायोड से मिलके एक ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक पीएनपी और एनपीएन। टीम क्या काम करता है ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन वो सिग्नल को हाई कर देता है। और दूसरा? दूसरा है रेगुलेटर एंड स्विचिंग। दोनों का मतलब बताओ? रेगुलेटर मतलब वोल्टेज को कम करके आगे भेज देता है। वेरी गुड। और स्विचिंग बोलो तो दो, एक पे सप्लाई आएगा, फिर दोनों लेग होते हैं उसका, एक लेग पे सप्लाई आएगा और एक लेग पे नई सिग्नल आएंगे, सिग्नल आएगा तो जाके स्विचिंग होकर थर्ड लेग पे सप्लाई दे देता है। वेरी गुड, ये उसको स्विचिंग बोलते हैं। अच्छा मैं आपसे बोलता हूँ, यहाँ पे ट्रांजिस्टर बनाओ आप जरा बोर्ड में, और आप मुझे सिंबल के थ्रू में बता दो कि वो कौन सा ट्रांजिस्टर है।
कौन सा ट्रांजिस्टर बना दिया इन्होंने? PNP। क्या आप सब बताओ क्या PNP है क्या? PNP है। वेरी गुड, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। अब आप बताओ कि 5 दिन में कैसा लगा कि वाकई में ये इंस्टीट्यूट रुकने लायक था, पैसे देने लायक था, बताइए। सबसे बड़ी बात ये तो जो पहले 2 दिन में पैसा नहीं मैंने पेड किया था, वही बात मुझे सबसे अच्छा लगा। 2 दिन में अपने को कितना एक्सपीरियंस और कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस 2 दिन के कॉन्फिडेंस के बाद ही जब मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे सीखना चाहिए, तब जाके पैसा पेड किया है। उसके बाद 5 दिन में तो और भी बहुत अच्छे से मेरे को सीख मिला है और प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से। आपने IC निकाल के चालू किया सेट, रिबोलिंग किया है यहाँ पर, ठीक है। सो क्या कहना चाहेंगे दुर्गेश सर और फिरोज सर, और क्या कहना चाहेंगे सरों के बारे में? बहुत अच्छे से दुर्गेश सर तो बहुत प्रैक्टिकल और थ्योरी बहुत अच्छे से हम लोगों को सिखाता है, लेकिन फिरोज सर भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल हम लोगों को कराते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है फिरोज सर किसी को छोड़ता नहीं है, जब तक ना सक्सेस हो जाए, किसी में प्रॉब्लम आ गई तो किसी जितना टाइम लगे उसमें एक बंदा को भी छोड़ता नहीं है, जब तक ना सक्सेस है। और क्या कहना चाहेंगे? एक चीज बोलना चाहेंगे, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एशिया टेलीकॉम इज द बेस्ट। और क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र अग्रवाल के लिए? सर आप तो बात ही और अलग है, आपका समझने का और समझाने का तरीका इतना इजी वे पे आप समझाते हैं, और कंपोनेंट का या फिर ट्रेसिंग का या फिर पैरेलल हो शॉर्ट हो कंपोनेंट का जितना भी नॉलेज है, सीपीयू का अरे सॉरी बॉल का या फिर कंपोनेंट्स का जितना भी जानकारी इतना अच्छा से आप समझाते हैं, तो इसी से जल्दी दिमाग में घुस जाते हैं। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट और है, आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास में बैटरी कनेक्टर रहा और पूरा उखड़ जाए और आसपास के कंपोनेंट भी उखड़ जाए, क्या ठीक है अगर बैटरी कनेक्टर हो जाए उखड़ जाए तो कैसे मोबाइल को चालू करोगे, प्रोसेस बता दो थोड़ा। सर बैटरी कनेक्टर उखड़ जाए तो उसको या कंपोनेंट उखड़ जाए तो उसके लिए तो हमको पहले कंपोनेंट्स और ड्रेसिंग और सप्लायर की नॉलेज चाहिए। वेरी गुड, जो हमको यहाँ पे मिला है उसके आधार पे हम लोग वो सप्लाई और वो वैल्यू हम ICS के पास ढूंढेंगे और वहाँ पे हम DC से वहाँ पे DC देकर वहाँ पे देखेंगे कि एम्पियर ले रहा है कि नहीं, फिर पावर बटन पे हम चेक करेंगे वोल्टेज आया तो वहाँ पे हम मोबाइल को चालू कर देंगे। और अगर बैटरी एरर आता है तो वो किसका फॉल्ट हो सकता है? ये सही का। तो उसमें क्या फॉल्ट आ सकते हैं, तीन का फॉल्ट आ सकते हैं, लीकेज शॉर्ट और ओपन, तीनों फॉल्ट का नॉलेज है कि नहीं? ये पूरा सिर्फ या तो किताबी बातें तो नहीं है ना? किताबी बातें नहीं सर, नहीं पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है ना। आपको एक बैटरी एरर निकाल के भी बताया था ना, जिसमें आपने देखा होगा कि हमने वीडियो बनाया था, वो वीडियो किस चैनल में बनाया थोड़ा बताइए स्टूडेंट। ये वीडियो स्मार्ट टेलीकॉम में आप देख सकते हैं और एशिया टेलीकॉम में भी देख सकते हैं देवरत अग्रवाल के चैनल पे, और एक वीडियो हमारे इनके चैनल पे, चैनल का नाम बताइए, टेक्निकल फिरोज पे भी, टेक्निकल फिरोज आपको यूट्यूब में टेक्निकल फिरोज सर्च करना पड़ेगा, फिरोज सर का चैनल है। सो आपको क्या लगा यहाँ पर आके, क्या सीखने को मिला आपको बताइए थोड़ा? यहाँ पे तो सीखने के लिए बहुत ट्रेसिंग एक से बढ़कर ट्रेसिंग सीखने को मिला और कंपोनेंट्स की जानकारी मतलब एक्चुअली में क्या होता है वो सभी मिला। वो मिला, ये पीछे आपके जो पीले कलर के दिख रहे हैं आपको, ये क्या है ये, मतलब उतना मुझे एक्सप्लेन। स्टूडेंट अपने मन से ट्रेसिंग उसको बना के आज आपने इसमें क्या लगाया मुझे आज बताओ। हम 9 पिन और 16 पिन का IC का सप्लाई। कौन से IC का? रेडियो IC का। रिंगर IC। कौन सी IC का? रिंगर IC का। आप सबने बनाया कि नहीं बनाया? हाथ उठा दो किस ने बनाया। आप सबने बनाया कि 16 पिन और 9 पिन, एक एक पिन को आपने समझा रिंगर IC का। सो वेरी गुड, यहाँ पर मैं आपको उठाना चाहूंगा। आप मुझे बताओ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम छोटेलाल कुमार शर्मा है। आप कहाँ से आए हो? मैं नेपाल से हूँ। अब नेपाल से एशिया टेलीकॉम को जबलपुर क्यों, दिल्ली जा सकते थे, पटना जा, कहीं भी जा सकते थे, हमें क्यों? सर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था बहुत सारा, उसमें आपका वीडियो मैंने देखा, एक वीडियो जिसमें रिव्यू स्टूडेंट का रिव्यू आया था ऐसी तरह, तो वो रिव्यू में जो पढ़ाने का मेथड जो था वो बहुत मेरे को अच्छा लगा, इसीलिए मैंने यही सोचा वहाँ पर जाऊँगा तो इससे भी अच्छा सीखने को मिले। तो जब आप आए अब आपने क्या पाया, सेटिस्फाई मतलब वो मिला कि जो मैं सोच के आया था? यस सर वो मिला। हम तो 5 दिन में इतना नहीं सीख पाएंगे, मतलब 1 महीने में इतना नहीं सीख पाएंगे जितना 5 दिन में हम सीखे सर। अच्छा, सो अब आपको कॉन्फिडेंस क्या लगता है यहाँ पर, 30 दिन में कितना सीख सकते हो यहाँ पर? यस सर बहुत कुछ। जो EMMC के स्टूडेंट आपको मिलते होंगे यहाँ पर, उनका क्या रिव्यू रहता है, थोड़ा बातचीत करते होंगे तो आप? यस सर बहुत अच्छे हो, मतलब इतना कुछ सिखाने यहाँ पे, इतना डीपली नॉलेज दिया जाता है स्टूडेंट को,
लाइव सेट में, लाइव प्रैक्टिकल सेट में, मतलब चालू इसको कि आज हमने आपको माइक बताया है तो माइक आपको डेड सेट में बताया क्या? ऑन लाइव ऑन सेट में बताया, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मेरे पास स्पीकर के एक रिंगर किसी भी फोन में, नोट 3 या नोट 4 की भी बात करूं मैं, रिंगर के टिप्स उखड़ गए, नीचे की केबल कट गई, B2B केबल कनेक्टर टूट गया, तो क्या ढूंढेंगे? ट्रेस कैसे करेंगे? ट्रेस करने के लिए मैं आपके पास आऊंगा एक मिनट। क्या आपने सबसे पहले दिन आप आए थे सबसे पहले, तो सबसे पहले दिन आपको क्या तीन चीजें सीखने को मिली थी? सर फोन में मेनली तीन चीजें प्लस माइनस और एनसी होते हैं। एनसी होते हैं, क्या तीन चीजें दिखती है? सर टिप्स कंपोनेंट और आईसी। और क्या तीन चीजें का फॉल्ट आता है? सर शॉर्ट ओपन और लीकेज। और क्या तीन चीजें सीखनी है? सर ट्रेसिंग और कंपोनेंट की जानकारी और सप्लाई। ये तीन चीजें सीखनी है, तो उन्हीं तीन चीजों की मैं बात करूंगा थोड़ी देर बाद आपसे। कि ट्रेसिंग नहीं कर सकते क्योंकि टिप्स उखड़ गए हैं, ठीक है। कंपोनेंट की नॉलेज पर सप्लाई की जानकारी जरूर ले सकते हैं। अगर मान लीजिए ट्रैक पर शॉर्टिंग आ रही है तो फिर क्या कंपोनेंट ढूंढना है? जुड़े हुए पानी जुड़ा हुआ होता है जो पानी पिलाने वाले और सिक्योरिटी गार्ड को चेक करेंगे। पानी पिलाने वाले और सिक्योरिटी गार्ड, बाकी में ये चेक करेंगे क्या? थोड़ा आगे आ जाओ, बीच में आके बोलो, थोड़ा इधर लिया उनको, इधर आ जाओ, चल कर आइए थोड़ा। ये वाली बात कमाल की है, मैं फिर से पूछना चाहूंगा, थोड़ा पास आ जाओ, और पास आ जाओ या बीच में आ जाओ, चलिए बैठ जाओ, बाकी बैठ जाओ। अब मुझे फिर से बताओ अगर मेरे स्पीकर के टिप्स में शॉर्टिंग आ गई तो क्या ढूंढेंगे? उस ट्रैक से जुड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड और पानी पिलाने पानी पिलाने वाले। अगर उस टिप्स में मुझे ओपन आया तो क्या ढूंढेंगे? सर अपने चप्पल ढूंढेंगे, चप्पल ढूंढेंगे। शॉर्ट आया तो क्या बताया था आपने? पानी पिलाने वाले और सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढेंगे। पानी पिलाने वाले, सिक्योरिटी गार्ड, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर कुछ ना कुछ नया मिलना चाहिए, और जो चीजें हैं सीधी तरीके से सीखने से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से जितना एक्सप्लेन हो सके उस हिसाब से सीखना चाहिए। सो सर पानी पिलाने वाला नहीं भी होगा तो जीवन में काम चलेगा, पर कब तक हमको पता नहीं। सिक्योरिटी गार्ड नहीं हुआ तो हमारी जीवन तब तक सुरक्षित है जब तक है, पर जिस दिन कोई गोली मारने आ गया वो मार के चला जाएगा। पर चप्पल अगर हमको नहीं मिली तो हम सर बाहर जा पाएंगे क्या? तो चप्पल तो चाहिए ही ना हमको। सर थैंक यू वेरी मच, तो पीछे चलेगी, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों ये था हमारा टोटल ग्रुप का बहुत सारे। अगर मैं सबसे पूछना चाहूं, मैं आपसे पूछूंगा कंपोनेंट, आपसे पूछूं कंपोनेंट तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? तो सभी बता सकते हैं यहाँ पर, तो सबसे पूछने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ऐसे वीडियो बहुत सारे लोग देखते नहीं है, तो ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। सो इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर वो पढ़ने आना है तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कीजिए दिन में 5-12 बजे से 5 बजे के बीच में। और जाते जाते सिर्फ एक बार यही कहेंगे कि इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? और नंबर 1 बनने वाले स्टूडेंट कौन है? थैंक यू वेरी मच। चलो ताली हो जाए, कमाल का सिस्टम लगा ये दो बार में नहीं है, ये एंड्रॉइड आ चुका है जो ब्लू डिस्प्ले आ रहा था, अभी एंड्रॉइड आ चुका है, इनके लिए फिर से एक ताली हो जाए। अब यहाँ पे जो है लाइव हमने दिखाया एक स्टूडेंट से, हमने सीपीयू MI5 का सीपीयू रिवॉल्व करके दिखाया, कोई इसको हेल्प नहीं किया कुछ नहीं किया, अपने खुद से क्या है इनने की हमारे जो सारे स्टूडेंट है वो कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया, क्या बात हो, देखिए ये वाला भी हो गया तुम्हारा जो भी तुमने आईसी बिठाई थी, देखिए यहाँ पर दिखाओ तो ये एक और सेट जो हमने अभी आपको बताया था कि ईएमसी बिठा रहे थे, हैंग ऑन लोगो हो गया था, इन्होंने इसको पहले प्रोग्राम किया और फिर वापस ये सेट भी देखी, ये भी वन टाइम में चालू किया। सो एक बार इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। चलिए देखो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिएगा। अभी हमारा 5 और 15 नवंबर का बैच है और बाकी सारी चीजें, अगर कॉल कर रहे हैं तो दिन में कॉल कीजिएगा 12 और 5 बजे के बीच में, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। तो अब बताइए पहले के में और आपके में क्या अंतर है? बहुत फर्क है सर, जैसे कि हम जो बात करते हैं जस्ट जैसे अपन बात करते हैं, लेकिन यहाँ के यहाँ से जैसे अपन अपने शॉप जाते हैं तो बोल चाल की भाषा में बहुत फर्क है, अपन टेक्निकली बात करते हैं। बिल्कुल सिग्नल अपन जैसे किसी को पूछे तो वो नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ के आपको पता चले ईएन सिग्नल क्या होता है, प्राइमरी लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, शॉर्टिंग को कैसे ट्रेस किया जाता है, कोई लाइन उखड़ गई उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, पूरी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का जो भी नॉलेज था वो मुझे हार्डवेयर में मिल चुका था। अब मुझे हाथ जमाने के लिए एमएमसी और प्रोग्रामिंग करना था, इसलिए मैंने एमएमसी के लिए यही चुना। यहाँ अगर हार्डवेयर इतना अच्छा है तो एमएमसी भी
बहुत अच्छा हुआ। तो आप मुझे बताइए कि 9 दिनों में आपका 100 एक्सपीरियंस आपने क्या क्या यहाँ पे सीखा और क्या क्या आप सोच के आते हैं और क्या आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला? मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीख ली पूरी प्रोग्रामिंग और नया मोबाइल लेटेस्ट मोबाइल पुराना मोबाइल डेड बुट रिपोर्ट हेल्थ बेड रिपोर्ट जो भी एरर आते हैं एमएमसी में वो सारे कंप्लीट होगा। उसके बाद अब आज की कंडीशन में मार्केट में जितने भी नए मोबाइल चल रहे हैं उनको एमएमसी निकाल के भी अनलॉकिंग कर सकते हैं, एफआरपी एमआई अकाउंट निकाल के भी कर सकते हैं, आईएसपी पिनआउट द्वारा भी कर सकते हैं बिना डेड रिक्स के। जेटेक और यूएफआई दोनों से कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। तो दोनों को बहुत किए भी हैं सर, किए से भी किए भी हैं, A3S किया है, 6A किया है। तो कैसा पैसेट ऐसे कैसे निकालते हैं और सेफली उसको कैसे करते हैं? अगर कोई एमएमसी का पिन उखड़ गया मैंने जो डेटा का कोई पिन ऐसा निकल गया उसको माइक्रो जंपिंग कैसे करते हैं और उसको प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं? और प्रोग्राम में बहुत सारा चीज़ है, इसमें बहुत सारा अनलॉकिंग कर सकते हैं, टेस्ट पॉइंट से अगर आईसी डेड हो गया उसको टेस्ट पॉइंट से उसको कैसे हम जिंदा कर सकते हैं? कुमार को यहाँ पर मिली जब हम यहाँ आए थे हार्डवेयर के लिए तो उस टाइम से पहले ही हम आपकी वीडियो देख चुके थे, उसी के द्वारा हम यहाँ पर आए। जब आपने हमारे को कराया एक एक चीज़, हमारे को कुछ भी नहीं था, हम 6-7 सालों से काम कर रहे थे, पर जब हम यहाँ आए थे हमारे को लगा कि हम कुछ भी नहीं जानते, हमारे कुछ भी नहीं आते, तो यहाँ सीखे हमारे को बहुत अच्छा लगा। जो हमारे को आउटपुट चाहिए था सर वो हमारे को मिला, तो हमने सोचा कि नहीं दोबारा हम ये एमएमसी करने जाएंगे तो हम इधर ही जाएंगे। और जो हम यहाँ पर आके देखा सर हमारे को आईसी रिवॉल्विंग वगैरह जो एमएमसी है सब कुछ हम यहाँ पर। एक बार ताली बजा दो, इन्होंने परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है, कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में वो भी जबलपुर में बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हैं? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडियन मोबाइल इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है, कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिराकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो स्टेटस भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था, जो तरकीब बना रहा था अच्छा मोबाइल बना के लिए, वो टेक्नीशियन लोग तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए तो 2-3 स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब
आपके में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सर कौन सा था आया था सर, रिपेयर करो तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप सर? इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर लें, मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है, मतलब हाँ क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी बोलते हाँ हमें बोलना है कि हमें ये बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उस चीज को चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो देखा और यहाँ पे आया, तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फायदे को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के। मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल हो सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था भी, तो मैं हर एक फायदे को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे की मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.